नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। यही वजह है कि इस यात्रा में सबसे ज्यादा लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जुड़कर नागरिकों में उत्साह भरने का काम किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता के लिए वरदान साबित हो रहा है। हरियाणा में अब तक 1211 ग्राम पंचायतों और वार्डों को कवर कर चुकी है, जिसमें 6,20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के साथ जोड़ने से नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें मौके पर योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी निदान किया जा रहा है। हरियाणा में 30 नवंबर को शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम 12 दिन हो चुके हैं और लोग केंद्र राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को अपार समर्थन भी दे रहे हैं। 12वें दिन भी 141 ग्राम पंचायतों और वार्डों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 78,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति नागरिकों में जागरूकता देखने को मिल रही है। अब तक आयुष्मान चिरायु योजना पर 26,000 से अधिक नए आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा विभागों की ओर से लगाए गए कैंपों में 1,50,000 से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया है। 97,000 लोगों की टीबी की जाँच की गयी। इसी तरह निरोगी हरियाणा योजना के तहत भी 90,000 से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2 साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य तय किया गया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा में अब तक 1211 ग्राम पंचायतों वार्डों में यात्रा पहुँची। यात्रा में 6,20,000 से ज्यादा लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की। 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने हेल्थ चेकअप करवाया है। 12वें दिन भी 78,000 से ज्यादा लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया। आयुष्मान चिरायु योजना में प्राप्त हुए 26,000 नए आवेदन। सेवा कैंपों में की गई 32,000 लोगों की काउंसलिंग। यात्रा के दौरान अधिकतर को ऋण करवाया गया उपलब्ध। हरियाणा की मनोहर सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य के लिए अलग से सेवा विभाग बनाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत विभाग की ओर से लगाए गए कैंपों में 32,000 लोगों की काउंसलिंग की गई और उन्हें विभिन्न योजनाओं और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में जानकारी दी गई। अधिकतर लोगों को बैंक के जरिए ऋण उपलब्ध करवाया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा राज्य सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके तहत किसान अपने खेत में उगाई गई फसल की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करता है और बाद में जब मंडी में फसल बेचने जाता है उसी के अनुसार उसका भुगतान डीबीटी के जरिए मिलता है। अब ऐसा समय आ गया है कि किसान को आढ़ती के पास नहीं जाना पड़ता है, बल्कि आढ़त लेने के लिए आढ़ती को किसान के पास आना पड़ता है। प्रदेश में 1,300 से अधिक किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत आवेदन किए। प्रतिदिन 100 से अधिक पंचायतों में विकसित भारत यात्रा पहुँच रही है।
इसके अलावा 1200 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों, 150 से अधिक स्थानीय खिलाड़ियों और लोक कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। यात्रा के दौरान प्रतिदिन 66,000 से अधिक लोग वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वचन के अनुरूप शपथ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हरेक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई बड़े कदम उठाए। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवार लाभान्वित हुए। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश में सभी परिवारों को एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा के मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके
हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भी आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से, आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम, WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान, ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने की बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी, पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़े जा सकेंगे, आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाएंगे, पात्र लोगों के राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे, पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा, व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी, अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ होगा, कृषि और बागवानी से जुड़ी सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी, परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा, सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा, उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की ई गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। स्पेशल डेस्क जनता TV।
हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं। लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भवांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भवांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1,000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि
40,000 रूपए प्रति एकड़ दी जाती है, सब्जियों पर 30,000 रूपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद मिट्टी और पानी के कुल 2,916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में चलाई गई लाडली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है सी, लड़कियों को आर्थिक मदद पहुंचाना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अमरीक सिंह। अमरीक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है आयुष सिन्हा, जो कि यमुनानगर के एडीसी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। परिवार पहचान पत्र जो पीपीपी है, वो करीब करीब जिला यमुनानगर में करीब 90-95% के ऊपर सभी लोगों के पास, सभी सिटीजन्स के पास हरियाणा के बन चुका है। और पीपीपी परिवार पहचान पत्र में जो परिवार है उनके मेंबर्स की जो इनकम है वो डेटा ली गई है और उसको सत्यापित भी किया गया है फील्ड की टीम से, उनको वेरीफाई किया गया है। वेरिफिकेशन में भी अगर कोई इश्यू आया है तो उसमें मैकेनिज्म है कि अगर आपकी आय जो है, सालाना आय अगर आपको लग रही है जो गलत है, जो आपने सेल्फ डिक्लेयर की है, अगर वो कहीं गलत हो गई तो उसके अपील के भी चैनल है जिससे वो करेक्ट की गई है। तो करीब करीब इसमें परिवार पहचान पत्र से ये फायदा है कि सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो इससे लिंक की गई है, जैसे कि जो राशन कार्ड है 1.8 लाख पर ईयर से कम अगर परिवार की सालाना आय है तो राशन कार्ड भी इससे लिंक किया गया है। एक आयुष्मान भारत कार्ड जिसके लिए जो कवर मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस का, फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट का, वो भी परिवार पहचान पत्र से लिंक किया गया है। साथ में जो ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन में जिसमें 60 साल की उम्र आयु से ऊपर जो ओल्ड एज पेंशन मिल जाता है उसे भी परिवार पहचान पत्र से लिंक किया गया है। जी बिल्कुल, जैसे एक और योजना है मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना। तो उत्थान योजना में जितने जो परिवार थे जिनकी जो इनकम थी 1 लाख से कम थी, उनको सरकार की ये योजना के तहत ये था कि उन्हें कोई लोन प्रोवाइड किया जाए, सरकार हेल्प करे कि कोई लोन प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो लोन हो पशु पालन के लिए या फिर हो कोई अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना किराना स्टोर शुरू करने के लिए या फिर कुछ ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए, जैसे ब्यूटी पार्लर की या कंप्यूटर ऑपरेटर की, इस तरीके से ताकि वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाए। तो उसमें भी करीब यमुनानगर जिले में जो परिवार उत्थान योजना में जो परिवार थे जिनका परिवार पहचान पत्र से जो इनकम 1 लाख से नीचे थी, करीब 2,500 परिवार ऐसे हैं, 2,500 से 2,600 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है और इसका उन्होंने यूज किया है। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने इंटेलिजेंस स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत किसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है? ए छात्र, बी दिव्यांग, सी किसान, डी महिलाएं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।